सबाना उसकी तरफ से हमें कुछ दे रही है। देखो दोस्तों, ये है ना एक बड़ा डील होता है। फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज का ये वीडियो वोकल फॉर वोकल की जो मतलब जो रोड पे जो लोग होते हैं, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो अपना धंधा करते हैं या ऐसे छोटे छोटे जो भी जैसा कोई फेस्टिवल आता है, कोई ऐसे झंडे बेचता है, तो उसको हम थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। और मेरे हिसाब से जितनी भी हेल्प होगी हम करेंगे दोस्तों। और आप लोगों भी जितनी हो सके उन लोगों को हेल्प करें जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। एक छोटी भी बच्ची भी है, उससे बात करेंगे हम। क्या नाम है तुम्हारा? सबाना। सबाना? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये सबाना है हमारे साथ। हाँ, तुम क्या करती हो? पढ़ाई वढ़ाई करती हो कुछ या अभी नहीं करती हो? करती हूँ। कितने में पढ़ती हो तुम? छह में पढ़ती हो। उससे झंडे जो है वो यहाँ पे रोड पे बेचते है। तो क्या नाम आपका सर? सलीम भाई। सलीम भाई, कहाँ रहते हो? कीम रहते हैं। कीम रहते हो? तो यहाँ पे ये झंडे बेचने का कारण मतलब कि ऐसे ही आप धंधा करते हो क्या है? ऐसे ही झंडा करते हैं, थोड़ा पेट के लिए करते हैं बस। बराबर। और वहाँ कीम से आप यहाँ पे ये सब झंडे बेचने के लिए आते हो? हाँ, तो कीम से झंडा बेचने के लिए आते हैं बस, पेट के लिए। पेट के लिए कि आपका 5 रुपया बच जाए। तो कल तो खत्म हो जाएगा, 26 जनवरी। हाँ। है तो बिकेगा, उसके बाद आप क्या करोगे? हमारा रेडियम का धंधा है खुद का। रेडियम का? हाँ, नाम नंबर गाड़ी पे लगाते हैं स्टिकर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे जो छोटे लोग होते हैं, जो लोकल पब्लिक होती है वहाँ पे रोड पे ऐसे बेचते हैं, तो हो सके उतना आप लोग उनको सपोर्ट करें दोस्तों। जितना हो सके आप उनको चाहे कुछ पैसे नहीं दे, कुछ नहीं दे, लेकिन उनसे जैसे जितना भी हो सके आप वहाँ से सामान खरीदने की ट्राई करें दोस्तों। आप कभी भी प्राइस मत करवाइए, क्योंकि हम क्या है कभी भी बड़े होटलों में जाते हैं, मैकडी में जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, आपको पता ही होगा वहाँ पे एक अगर आप कैरी बैग भी एक्स्ट्रा लेते हो ना तो उसका भी वो 20 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा ले लेता है। तो आप यहाँ पर आते हो तो 5-10 रुपये में आप प्राइस मत करवाओ दोस्तों, क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने से हेल्प बनती है हम करते हैं दोस्तों। तो मेरे से तो जो जितना हो सकेगा उतना मैं आपको हेल्प करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल जो भी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा उतना सामान मैं आपसे खरीदूंगा। बराबर। तो ये सबाना है, सबाना के पास ये छोटे छोटे झंडे हैं। ये कितने के? ये सबाना 10 रुपये का है। हाँ। और ये 10, ये भी 10 रुपये का है। कितने है जरा गिन लो ना तुम। जो भी है सबाना से हम आज ये झंडे जो है वो हम लेंगे, ट्राई करेंगे उसका। जो भी ये सबाना बेच रही है हम उसको जितनी हेल्प हो सकेंगे उतनी करेंगे दोस्तों। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हेल्प हो सके उतनी करें। कल कौन सा दिन है? कल क्या है? बुधवार। बुधवार है, लेकिन क्या है मतलब ये आप तुम जो बेच रही हो? हाँ। तो मतलब कुछ फेस्टिवल कौन सा त्यौहार क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। हाँ। तो दोस्तों देखो ऐसी मासूम बच्ची है जो अभी रोड पे अपने मम्मी पास में थोड़ा अटक जाती है, जीवन में थोड़ा अटक जाती है, तो बहुत ही मासूम लड़की है दोस्तों। तो जितनी हेल्प हो सके आप अपने से करें दोस्तों, वहाँ से सामान खरीदने की ट्राई करें, क्योंकि छोटे छोटे लोग जो होते हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं दोस्तों। तो जितना भी हो सके आप उसके पास सामान खरीदें दोस्तों, और उसमें प्राइस मत करवाइए, क्योंकि इसमें जो कुछ भी होता है 2-5 रुपये ज़्यादा होता है तो उसको रोज का उसका जो खाने पीने का होता है वो उसको मिल जाएगा। तो सबाना के पास जो भी झंडे थे और ये जो ऐसे स्टिकर है जो यहाँ जैसे मैंने लगाया है वैसे थोड़े बहुत हमने ले लिए है। सबाना तुमको कैसा लग रहा है अभी? है अच्छा, खुश है तू? थोड़ी बहुत मम्मी पापा को भी हेल्प करने के तू आती है यहाँ पे घर से? हाँ। सबाना को भी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करिए दोस्तों ऐसे जो लोकल पब्लिक होती है, जैसे कि लोकल फॉर वोकल हमारे जो इंडिया है दोस्तों।
तो प्रजासत्ताक दिन है, इसके लिए सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। जय भारत माता। जय भारत माता की जय। जय भारत माता की जय दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबाना के पास हमने ये सब झंडे जो भी थे तो हमने थोड़े बहुत ले लिए हैं अपने हिसाब से दोस्तों। तो अभी सबाना उसकी तरफ से हमें कुछ दे रही है। देखो दोस्तों, ये है ना एक बड़ा दिल होता है, आदमी छोटा नहीं होता, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन उसका दिल छोटा होता है ना तो वो कुछ मैटर नहीं करता दोस्तों। तो ये अभी सबाना, देखो सबाना मुझे कुछ दे रही है। क्या है सबाना? तो दोस्तों ये थोड़ी सबाना बोलने में थोड़ी उसको प्रॉब्लम है, बचपन से ही बचपन से थोड़ा सबाना को प्रॉब्लम है बोलने के लिए। लेकिन सबाना अपनी तरफ से मुझे ये बड़ा वाला झंडा जो है ना, भारत माता का जो इंडिया का झंडा, अपनी तरफ से दे रही है सबाना। तो थैंक यू वेरी मच सबाना, तुमने इतना तुम्हारा दिल जो है ना बहुत बड़ा है। आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा हो लेकिन आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। तो ये छोटी बच्ची ने अपने तरफ से मुझे ये गिफ्ट दिया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सबाना। बड़े होके क्या बनना चाहोगे आप? क्या बनोगे, कुछ क्या करोगे? अभी तो आप पापा की हेल्प करते हो, मम्मी पापा के साथ आते हो यहाँ पे, तो बड़े होके कुछ ना कुछ बनोगे ना? हाँ। तो पढ़ना बराबर, जितना हो सके उतना पढ़ाई में ध्यान देना, ओके? पढ़ाई करना साथ में, आप अपने मम्मी पापा का तो हेल्प करते ही हो लेकिन साथ में ही पढ़ाई भी ज़रूरी है, बराबर? तो दोस्तों मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो आज ये जो मैंने काम किया है लाइफ में फर्स्ट पहली बार, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। ऐसा कुछ करिए, कुछ ऐसा हेल्प करिए। मैं कुछ ऐसे लेने की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन हो सके आप यहाँ से कोई भी चीज़ परचेस करिए और इसमें बार्गेनिंग मत करिए। ऐसे छोटे लोग जो होते हैं उसमें बार्गेनिंग ना ही करें दोस्तों, अच्छा होता है। हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो अलग एक जो पॉलीथीन लेते हैं ना उसका भी प्राइस वो अलग से 20 रुपये लेते हैं, आपको पता ही होगा। कल ये जो हमने थोड़ा बहुत जितनी हेल्प हो सके उतनी हमने की है आपको, बराबर? तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तुम्हारी मेहरबानी है, इतने हेल्प किया तो हमारी तो बहुत थोड़ा बहुत करा तो है तो हमारे भगवान जैसे आदमी मिले ऐसे तो थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ इतना कुछ हेल्प नहीं करा है, मैंने जितना मेरे से हो सका उतना सामान भाई से खरीदा है तो वो बहुत खुश है। तो अभी आप यहाँ पे खड़े रहते हो, ये कौन सी जगह है? ये चौपाटी बोलते हैं इसको। चौपाटी? हाँ। वराचा के अंदर? वराचा के अंदर चौपाटी के वहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों ये मतलब आप हर वक्त यहीं पे सामान बेचते हो? हर वक्त यहाँ पे बेचते हैं। तो दोस्तों ये भाई जो है ना, ये चौपाटी है, पीछे आप देख सकते हो, और यहाँ पे वराचा के पास, ये चौपाटी के पास ये भाई ऐसी चीजें कोई भी त्योहार फेस्टिवल होता है वो चीजें बेचते हैं दोस्तों। तो जैसे जितना हो सके आप उसको हेल्प करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फिर से आपका, बरोबर ऐसे मेहनत करते रहे, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए बरोबर, क्योंकि आगे भविष्य बच्चों का भी हमको देखना होता है। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, मदरसा भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं। अभी स्कूल बंद है तो इसके लिए नहीं जा रहे हैं। अभी तो बंद है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और नीचे कमेंट में भारत माता की जय, जय हिंद ऐसा लिखना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।